वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम हरिद्वार में आके रुके थे और हमने अपनी गाड़ी में स्टे किया था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। और अभी हम उठे 5:30 बजे, थोड़ा फ्रेश हुए और अभी हम आए हैं हर की पौड़ी गंगा नदी में स्नान करने। बहुत ही ज़्यादा भयंकर यहाँ पे है ठंड। वो देवी माता सारे भगवान जी का टेंपल है। दर्शकों, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, हर की पौड़ी हरिद्वार देवनगरी है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे जो हायर प्रायोरिटी हमारी लाइफ में होती है वो भगवान की होती है। और ये यहाँ जहाँ आप देखो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवान ही भगवान है, मेरे गोद में ही भगवान ही है। मैंने ठंड की वजह से उन्हें इस तरह रखा हुआ। स्नान कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था और टीका भी लगा लिया महाकाल का तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको स्नान करके? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा स्नान करके? मजा आ गया। और आपको? बहुत ही बढ़िया, ठंड लगी बाद में फिर नॉर्मल हो गई। आपको? माधु ने भी नहाया, हमारा माधु भी स्नान करता है, डुबकी लगाई इसने भी। हेलो दर्शकों, गुड मॉर्निंग। फाइनली अभी आराम से तो हम लोग उठे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग उठे थे। उसके बाद हम लोग गए थे, हम लोग फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद हम लोग गए थे गंगा स्नान करने। हम सभी ने गंगा स्नान किया, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगा। और आप भी कभी भी हरिद्वार आए तो गंगा स्नान ज़रूर करें। हमको बहुत ज़्यादा ठंड लगी इसलिए हम जा रहे हैं चाय ढूंढने, उसके बाद हम पियेंगे चाय एंड लेट्स सी कि फिर हम कहाँ जाते हैं। तो आप लोगों को गंगा स्नान करके बहुत मज़ा आ गया, अच्छा लगा, तृप्त हो गए हम लोग, तृप्त हो गए। और तो और माधु ने भी गंगा स्नान किया, डुबकी लगाई उसने भी। दर्शकों, यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, ठंड है हरिद्वार में इस वक्त। ये है वो देख नहीं। रात में हम लोग गए 2-3 होटलों में, तो मतलब एक तो रात में हम लोग गए होटल देखने, तो वहाँ पर अरे जू चले, जू चले सुबह वापसी में, वापसी में चलेंगे यार।
चलो बोलो बताओ। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ही बोल रहा था, रात में हम रूम्स देखने गए, होटल्स देखने गए, बट एक जगह गए, एक जगह हमने खूब खटखटाया तो उन्होंने नहीं खोला, और दूसरी जगह हम गए तो फिर बहुत कहीं कहीं तो बहुत ओवर पेमेंट बोल रहे थे, तो हमने कहा इतना दो तीन चार घंटे हमें रेस्ट करना था, हमने कहा गाड़ी में कर लेते हैं, तो इसलिए हम गाड़ी में ही आ गए। और पेमेंट भी हमको ज्यादा, मतलब हम रात में काफी हमें लेट हो गया था। हाँ तभी इसी वजह से इतना महंगा कर रहे थे, तो करते नहीं, पहले भी हम रुके हैं बट इस बार बहुत ज्यादा कर रहे थे क्योंकि डेढ़ बज गया था, डेढ़ दो बज गया था। बट हमने सोचा कि ये चीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, कभी ऐसा भी हो जाता है कि अब होटल रूम जैसा होता, रूम में तो हम डेली रहते अपने घर में, तो हमने सोचा आज कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। काम उतने में हो गया था, हो जा रहा है, जब गाड़ी में हो गया था तो हमने गाड़ी में सूटेबल समझा और गाड़ी में हम रुक गए, तो ठीक ठीक था, अच्छा रहा, अच्छा था। आज रात में हम जहाँ स्टे करेंगे वहाँ रूम लेंगे, जहाँ स्टे करेंगे वहाँ रूम लेंगे, जो भी है समझ में आ गया होगा। कितनी सुंदर पेंटिंग्स लग रही ना, मौसम बहुत ठंडा ना, तो हमें कुछ भी चाय पीने। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हमने ब्रेकफास्ट में किया आलू के पराठे, चाय विद बटर, बहुत ही लजीज नाश्ता था। तो अब हम निकल चुके हैं सीधे देहरादून के लिए, तो हमने सोचा है कि अभी एक दो तीन चार ऐसे समथिंग कुछ प्लेसेस हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, बट एक्यूरेट तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे आपको तभी पता चलेगा, उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। एक हेलो बोलने के लिए तुम्हें रखा है मैंने अपने ग्रुप में, हम हेलो ही बोल रहे हैं, एक हेलो बोलने के लिए रखा मैंने, हेलो के अलावा कुछ बोलने का मौका नहीं। 9 किलोमीटर मार्ग शेष हर्रा वाला, क्या पता हर्रा वाला, देखो यहाँ की जगह का काफी पता है बिकॉज दी ने यहाँ पे स्टडी की थी, कितने साल, 3 साल, क्या क्या था पता, फैशन डिजाइनिंग। तो आपको अपने किसी भी तरह के अगर क्लोथ्स डिजाइन करवाने हो तो कांटेक्ट है गुंजन पर, ये बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, बहुत अच्छे डिजाइनिंग कपड़े सिलती है। तो दर्शकों जीजू ने भी यूनिफॉर्म चेंज कर ली है क्योंकि जीजू का हेड ऑफिस है यहाँ, जीजू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है और उन्हें अपने हेड ऑफिस जाना है। पेड़ के नीचे खड़ी हूँ मेरी, यह है घंटाघर, यहाँ पे हमें मिलने वाली है मिस सोनाली भट्ट। मिस सोना आप कहाँ है, लेकिन वो उसने हमसे कहा था हमने मैंने पिंक पहना, अब हम जितने पिंक है सबको दे ढूंढ रहे हैं, अरे वो पिंक मगर वो नहीं दिख रही अभी तक, तो देखते हैं कि कहाँ है उनका, हम ये उनका रिएक्शन ले रहे हैं उन्हें बिना बताए, क्योंकि आपने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा था धर्म वाला तब हम बिछड़े थे और आज हम मिल रहे हैं, तो लेट्स सी कि उनका क्या रिएक्शन रहता है। हम आगे को आते जा रहे हैं, ये रुक जाए आजा आजा, ये ड्रामा है, ये क्या है, हाय जय श्री कृष्णा, तू घुमा के रही है इधर से उधर, मुझे
बताओ कैसे हो। हाय दी, कैसे हो, कैसा रहा सफर? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। इसी रोड पे ठीक है, हम सारे पिंक देखते आ रहे हैं जितने पिंक मिले। तो वही यार, अभी तो कटे हमें पता नहीं कितनी लड़कियों में पीछे गए होंगे पिंक बोल के। दोनों पिंक पिंक ही हो गए। अब तुम्हारा मैचिंग मैचिंग हो गया। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको उतार ही दूँ यार। अरे जी पहन ले। ना ना, ये पिंक क्या इंडिकेशन था आपने पिंक पहन के? थी ठंड तो हुई नहीं यार। आओ फिर आओ। बाय। तो दर्शकों, ये रहे हमारे माधव, हमारे कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का सार बताते हुए, रथ में उनका सारथी बनते हुए। और यहाँ लिखा है गीता का सार उद्देश्य, तो पॉज करके इसको वीडियो को पूरा पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हम देहरादून पहुंच गए हैं और हम सोनाली से भी मिल चुके हैं और उसका रिएक्शन भी हमने कैप्चर किया, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे राजपुर रोड पे एक मंदिर है, साई मंदिर, वहाँ के दर्शन कर लो, बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम वहाँ गए थे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा मंदिर था। मैंने और अब हम जा रहे हैं प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ भी पहले कभी नहीं गई थी साई मंदिर, और यहाँ भी अभी जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी कभी नहीं गई थी। तो मैं भी देखूँगी, पहली बार, फर्स्ट टाइम, एंड आपको भी दिखाऊंगी। और सोनाली और दीपक जा रहे हैं स्कूटी से, सोनाली स्कूटी से आई थी, स्कूटी से जा रहे हैं बिकॉज कार में स्पेस कम है और हमारा सामान ऐसा लग रहा है बढ़ते ही जा रहा है हमको। कल जब हम आए थे हमें थोड़ा सा, अरे कल हमने ना अरेंज किया था, आज हमने चेंज वगैरह किया ना, वो सब इधर उधर हो गया, तो अब ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा स्टफ हो गई कार। तो वो दोनों स्कूटी से आ रहे हैं। जय हो शिव शंकर, बोले भंडारी। गाड़ी तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं शिव मंदिर, तो यह है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। मसूरी देहरादून का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये, और खुशकिस्मती से आज हमको यहाँ आने का मौका मिला। तो मुझे सोनाली ने यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बताया कुछ नॉलेज, जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दान नहीं होता, जैसे कि कई मंदिरों में दान करके मनाई जाती है, यहाँ पे बिल्कुल दान अलाउड नहीं है बिल्कुल भी।
और एक और चीज़ है, यहाँ पे चमड़े का पर्स, जूता, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें, आप बेल्ट वगैरह कुछ भी आप पहन के अंदर नहीं जा सकते। तो ये कुछ खासियत है यहाँ की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो हम भी चलते हैं, दर्शन करके आते हैं और आपको भी कराते हैं। यहाँ पर प्रसाद में चाय भी मिलती है, पर उसे चाय नहीं कहा जाता, उसे प्रसाद ही कहा जाता है। प्रसाद मधु मैगी यार तुम्हें तब से ले रहा हूँ, तुम खा ही नहीं रहे हो। अच्छा लगा ना? सही बात, सही बनाई। तो दर्शकों, हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और वहाँ से फिर हम एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, वहाँ पे गए और हमने चाय पी और इन्होंने मैगी खाई, दी ने, जीजू ने और सोनाली ने। हमने रोटी सब्जी खाई जो कि घर का बना हुआ खाना था और चाय पी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ सीधे जीजू का काम करना, अभी जीजू का काम करना पेंडिंग रह गया था तो वो काम करके आज का दिन हम यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अभी हम ज़्यादा और जगह कहीं नहीं घूम सकते क्योंकि शाम होने के बाद जल्दी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि ठंड का समय है। तो बाकी हम फिर स्टे करेंगे, देखते हैं कि कहाँ स्टे करेंगे, क्या होगा, बाकी हम देखते हैं कि हम कल कहाँ घूमेंगे। तो कैसा लगा आज? बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। मतलब इस मंदिर का आने का हमारा ऐसा, हमें सोचा नहीं था कि हम इस मंदिर में आएंगे, वो हम यहाँ आए तो वहाँ का हाँ कहते हैं ना बुलावा, तो मतलब हम चले गए तो दोनों ही मंदिर के हमें दर्शन हो गए। तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि हाँ आज कुछ अच्छा किया और कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। हेलो दर्शकों, तो अभी बज रहे हैं 3:15 और अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट मोड पे हैं बिकॉज जीजू गए अपने काम के लिए, वन विभाग था ना, तो जीजू अपने काम के लिए गए हैं वन भवन और थोड़ी दूरी पर है। हम लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं, उनका वेट कर रहे हैं और अभी अभी सोनाली भी चली गई है वापस। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और माधु जी भी सो रहे हैं। तो फाइनली आज का अभी फ़िलहाल हमने इतना ही सोचा क्योंकि काफ़ी थक भी गए और बहुत ज़्यादा मैसअप हम इस व्लॉग को भी नहीं करना चाहते और ख़ुद का डे भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे और हमें थकना नहीं है क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो अब हम सोच रहे हैं कोई सुटेबल सा होटल या जो भी हमें एक रहने को अच्छा सा इंतज़ाम हमारा हो जाए वो करके फिर हम थोड़ा बहुत आसपास घूमेंगे, जहाँ भी घूमेंगे आपको दिखाएंगे थोड़ा फ्रेशन अप होके। और अब हम रेस्ट करेंगे। नमस्ते दर्शकों, तो हमें रात के 8:30 बज रहे हैं और हमें रूम मिल गया है फाइनली। 2-4 जगह पूछने के बाद एक सेटिस्फाइंग रूम हमें मिला है, एक रूम लिया हमने, उसमें 3 बेड हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और एक रात के स्टे के लिए हमारे काफ़ी अच्छा रूम है। तो आइए मैं आपको रूम दिखाती हूँ। अरे टोन तो बता दें। अच्छा तुम गाना मैं गाती हूँ। Ding 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 ding
लगा हुआ ऐसा। तो ऐसे कर रही है जैसे। तो ये रहा हमारा आलिशान रूम। तो गाइस खाना हो चुका और अब हम खा रहे हैं। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और अभी हम खा पी के आराम से बैठे हैं। मूंगफली भी खा ली हमने, तो बस दादा ने, हम तुम्हारे मामा ने, तो हम बस बैठे थे इसी तरह। तो हमने सोचा थोड़ी देर, हमने टीवी देखी, थोड़ी देर कुछ करते हैं, तो हम सोचा हम जैमिंग करें। तो आइए हमारी जैमिंग का हिस्सा बनिए, गाते हैं कुछ गाने और खेलते हैं अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। समय बताने के लिए करना है कुछ काम, क्योंकि मेरे पास बहुत समय है। कटिंग वर्ड का मतलब पता है क्या? जैसे एक दिल दे दिया है कि जान जान कट से जान से गाना शुरू कर। चलो गाने के लिए करना है कुछ काम। अंजू और रीता दी टीम में और गुन्नौर में, इसने टीम में लगा। मेरा आपकी कृपा से, आपकी नजरों ने समझा प्यारे दिल दे दिया है। नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे जाने जा मेरी जान तेरे सीने में तेरा उड़े। नींद आ रही तुम्हें? गाना काटना होता है। चलते चलते मेरा दिलों का आता है दुनिया हसीनों का मेला। अरे गाने क्या हो, हमने नहीं सुना ऐसे गाने। तो कौन नहीं अभी नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। आए हो मेरी जिंदगी में बढ़ेगा जिंदगी गम का सागर। कहूं तो बहुत जुदाई जुदाई हर बाय न जुदाई। ये लोग बहुत फर्जी हो ना दर्शकों, मिले हो तुम हमको। सनम भी तो बहुत गाना है। सनम तुम बेवफा अगर तूने दिल मेरा थोड़ा कहीं का छोड़ा। हाँ तूने सनम बेवफा तोड़ गाने आ गए हैं। थोड़ा कहीं का दिल तोड़ के बस तेरा शर्म है। आँख है भरी भरी चोरी 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 दिल तेरा चुराएंगे तुझे हम बनाएंगे। चोरी 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 कौन सा उसको अपना हम बनाएंगे हम तुम्हें बनाएंगे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई वाला किसने गाया है? खाली टिंग टिंग गा रहे हैं।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या उनका गा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बगल वालों को उठा दिए। मैं तुम्हें टिरिन टिरिन का गाना बता दी, रुक रुक रुक। अरे यार मुझे टिरिन टिरिन का टिरिन 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 एक पल का जीना फिर तो हो जाएगा। मैं तो तब से हम करें टिरिन 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 तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।